अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी होने से दिल्ली की राजनीति में भूचाल आ गया है। इलेक्शन का समय है, वैसे ही इलेक्शन की सरगर्मी है और इस सरगर्मी में बीजेपी एक नया सगुफा लेकर आई और उन्होंने झट से अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया। अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करने से जो सवाल उत्पन्न होते हैं उसका जवाब केंद्रीय सरकार के पास नहीं है। इलेक्शन के समय में एक एक विपक्षी दल के नेताओं को भीतर करना या विपक्षी दल के बैंक अकाउंट को सील करना या विपक्षी दल के नेताओं को तरह तरह से परेशान करना, ये बीजेपी के लिए आम बात हो गई है, क्योंकि बीजेपी न केवल कांग्रेस मुक्त भारत चाहती है बल्कि वो विपक्ष मुक्त सरकार भी चाहती है, क्योंकि वही अपने मन की बात कहेगा, वही सुनेगा, कोई प्रश्न नहीं पूछ सकता, किसी को बोलने का अधिकार नहीं। बीजेपी का आरोप है कि अरविंद केजरीवाल जेल के भीतर से सरकार चलाने की कोशिश कर रहे हैं, जो सरासर गलत है। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी की मंत्री आतिशी का कहना है कि अरविंद केजरीवाल ने उन्हें दिल्ली के एक क्षेत्र विशेष में जल का प्रबंध करने का आदेश भी दिया है और राज्यपाल से सहयोग लेने की भी बात कही गई है। इस प्रकार से सरकार जेल के भीतर से ऑपरेट की जा रही है। अब इस बात को लेकर काफी घमासान है। इससे पूर्व आम आदमी पार्टी के कई नेता जेल के भीतर हैं, संजय सिंह, मनीष सिसोदिया आदि। इसके अलावा बीजेपी ने इससे पहले हेमंत सोरेन को भी जेल के भीतर डाल रखा है। इससे पहले राहुल गांधी की सदस्यता को समाप्त की गई थी और आगे और थोड़ा सा पीछे जाए तो कई ऐसे घटना देखने को मिलने रही है जिसमें सरकार को तोड़कर अपने पार्टी में मिला लेना, सरकार को गिरा देना, ये बीजेपी के लिए आम बात है। अब इलेक्शन के समय में कांग्रेस का अकाउंट सील कर देना ये भी हुआ है और इस प्रकार से बीजेपी का कोशिश यह है कि इलेक्शन में वह सिर्फ अकेले लड़े और कोई उसका सामना नहीं करे। कुल मिला के अरविंद केजरीवाल को कैद करके शायद बीजेपी ने मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डाला है। अब देखना है कि दिल्ली की जनता किस प्रकार से इसका जवाब देती है। वैसे राजनीति सरगर्मी तो काफ़ी तेज हो गई है, विपक्ष भी लामबंद होने लग गया है और होना भी चाहिए। जब तक जनता सड़क पर नहीं आएगी डेमोक्रेसी में कोई सुधार नहीं होगा। अगर सवाल पूछने का अधिकार लोगों के समाप्त हो जाएंगे तो धीरे धीरे वह जनतंत्र भी समाप्त हो जाएगा, वह लोकतंत्र भी समाप्त हो जाएगा। धन्यवाद।